नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए, आपके बीच में मुकेश कुमार मौर्य एक बार फिर से आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तैयार रहिए और देखिए, हमने यहाँ पर स्पेशल पॉइंट आपके लिए तैयार किया हुआ है। मार्शल एजुकेशनल ग्रुप के इस चैनल पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन के लिए, हाउ द यूरिन फॉर्म्स, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से प्रोसेस के द्वारा होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, तो सारी कहानी नेफ्रॉन में होगी। नेफ्रॉन में टॉप टू बॉटम जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं हम यूरिन फॉर्मेशन। जो पानी हम पीते हैं, हमारे बॉडी में बनने वाला टॉक्सिक मटेरियल कैसे रिलीज होगा, इसके बारे में बातें करेंगे। आइए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। यूरिन फॉर्मेशन को बेसिकली तीन स्टेप्स में हम समझेंगे, 1 2 3 करके सब टॉप टॉप टू द फिंगर समझने की कोशिश करो बच्चों। देखना यहाँ पे पहला जो पॉइंट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर उसके बाद दूसरा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की बात की जाएगी, और तीसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं किसका, ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो वही बात कर लिया जाए पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब बहुत तेजी से छान देना, एकदम अच्छी तरीके से छान देना छन्नी में डाल करके। तो यहाँ छन्नी का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पर हमको नेफ्रॉन के बोमेंस कैप्सूल की बात करनी है। और पानी डालोगे तो प्रेशर तो पड़ना ही है बेटा। अब कैसे आई दिखेगा, इट अकर्स, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स इन द रीनल कार्प सेल्स। रीनल कार्प सेल्स का मतलब होता है बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल में क्या क्या होता है मैंने बताया था आपको। बोमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल फॉर्म्स द रीनल कार्प सेल्स। अब यहां पर ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन के द्वारा, ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन के द्वारा ये होता है यहां पर, क्यों, किसके द्वारा, ड्यू टू फिल्ट्रेशन प्रेशर। फिल्ट्रेशन प्रेशर के द्वारा होता है, ये बात कर लेते हैं फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या है। फिल्ट्रेशन प्रेशर यहां पर एफ इक्वल टू जीपी माइनस जी सी यूपी प्लस सी ओपी, ये क्या है भाई, ये इसका नाम क्या है देख लेते हैं, जिसमें ग्लोमेरुलर प्रेशर, जीपी का मतलब ग्लोमेरुलर प्रेशर, ग्लोमेरुलस के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है जिसकी वैल्यू होती है 60 mmHg, और ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी इसके अंदर जो कोलाइड मैटर मिक्स होता है उसका प्रेशर होता है 32 mmHg, और कैप्सुलर ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कैप्सूल के द्वारा ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो होता है 18 mmHg। तो अगर इसको वैल्यू को हम पुट करते हैं इस फॉर्मूले में तो 60 - 32 + 18, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 10 mmHg। यानी जो ये ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन होता है इसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई होता है उसकी वैल्यू 10 mm या इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो इस प्रेशर के द्वारा छन्नी में कुछ भी डालते हो तो छन के चला आता है नीचे। अब छन्ने के साथ साथ उसमें सब कुछ आ सकता है, उसमें वाटर आ सकता है, यूरिया आ सकता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स आ सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स आ सकता है, आयन्स आ सकता है, सब कुछ आ सकता है यूरिन के साथ साथ, ठीक है, यूरिन के साथ साथ सब कुछ आ सकता है। लेकिन यहां पर बात की जाएगी क्या, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की, उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा जो वहां पर अच्छी चीजें आई हुई हैं। तो पहली बात देखते हैं, 90% फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब, जो छन के आता है वो उसमें से 90% रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब कहां कहां कैसे कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं। पीसीटी यानी प्रोक्सिमल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल्स में क्या रीअब्जॉर्ब होता है देखिएगा, इसमें 75% फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब होता है। नियरली ऑल द न्यूट्रिएंट्स जस्ट लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर रीअब्जॉर्ब इन द पीसीटी यानी प्रोक्सिमल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब इन एलओएच, एलओएच का मतलब लूप ऑफ हेनले में, ये बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होने वाला नहीं है, केवल इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होगा। फिर फाइनली यहाँ पर देखेंगे इन डीसीटी में क्या होता है, डीसीटी में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, बाइकार्बोनेट फाइनली रीअब्जॉर्ब यहाँ पर हो जाता है बाइकार्बोनेट। और सीटी यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में क्या हो सकता है, वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। और यहां पर पहुंचते ही फिल्ट्रेट बदल जाता है यूरिन में, यही तो हम पढ़ रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन। जैसे ही फिल्ट्रेट सीटी में पहुंचता है वहां यूरिन कन्वर्ट हो जाता है। अब यूरिन बन गया, बाहर निकलने की बात करते हैं, दैट इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होगा, यूरिन नाउ रिलीज इनटू द किडनी, अब यहां से यूरिन किडनी में रिलीज कर दिया जाता है, और उस यूरिन के पास जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उसके साथ अब यहां से यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में फिर बाहर चला जाएगा यूरिन। अब बात कर लेते हैं यूरिन में क्या क्या चीजें होती हैं। पीएच वैल्यू इसकी 6.0 होती है। जब कभी यूरिन जहां कोई डिस्चार्ज करता जाते हो तो मुंह से एक आवाज आती है, छी छी का मतलब छह,
पीएच वैल्यू 6 होती है इसकी, और ग्रेविटी इसकी 1.01 से लेकर के 1.04 तक होती है। इसका कलर पेल येलो होता है। पेल येलो क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। अभी यूरोक्रोम क्यों बनता है? ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन के द्वारा ये बनता है यूरोक्रोम, जिसके द्वारा यूरिन का कलर पेल येलो हल्का पीला कलर का होता है। इसकी स्मेल एरोमेटिक होती है, एरोमेटिक यूरिनॉइड के वजह से होती है। एंड इसमें वाटर 90% होता है, यूरिया 2.6% होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो होते 2.0% है। अदर सब्सटेंस की बात करते हैं, अदर्स की बात कर लेते हैं तो 0.4% में अदर सब्सटेंस भी यहाँ पाए जाते हैं। तो ओवरऑल हमने अभी आप आज आपको बताया है यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन क्या होता है, कैसे बनता है, और सारी प्रोसेस आपको बता दिया गया है। इसलिए आप लोग ज्यादा जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहे, मुकेश मौर्य सर को याद रखें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।